अस्सलाम वालेकुम रिजवानास किचन में, क्या हाल है आप लोगों के? सब खैरियत से होंगे उम्मीद है। और आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, चिकन का एक सालन है, उसमें थोड़े से बस मसाले डालते हैं और बहुत मज़े का बनता है। इस तरह समझ लें कि बस जैसे चिकन टिक्की का मसाला डाल के और इस तरह की बूटियाँ बनाते हैं जो खाने में बहुत मज़ेदार लगती है, आसान भी है और ईजी रेसिपी है। तो आपको मैं बताती हूँ उसमें क्या क्या चाहिए। ये 3 पाव चिकन है, सही है, 3 पाव चिकन है। फिर मेरे पास आधी प्याली ऑयल है, 1 प्याली दही है, और ये है कोई भी मसाला ले लें आप, थोड़ा सा तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला और 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, ठीक है, बस ये सब इसमें जाएगा। फिर बाद में पकने के बाद जब हम ऊपर डालेंगे हरा धनिया, पुदीना, 1 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच पुदीना, और समझ लें 1 टीस्पून ये अदरक के पीसेज हैं जो हम लंबे लंबे काट लेते हैं, और 2 हरी मिर्चें। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखें ये मैंने डाल दिया तेल, ये मैंने चूल्हा कर दिया है तेज, ठीक है, उसमें मैंने ये डालूँगी चिकन, मैंने धो के बॉइल करके इसको रखा है, मतलब चिकन को उबालना नहीं है, लेकिन मैं चिकन बनाने से पहले 1 पानी फेंक देती हूँ चिकन का, क्योंकि ज़रा सा उसमें साफ हो जाता है, जो ब्लड वगैरह होता है वो निकल जाता है। तो मैं लाजमी उबाल कर फिर चिकन को पकाती हूँ। अभी मैंने 1 चम्मच में अदरक लहसुन डाला है, अब उसके बाद में ये सारे मसाले डाल दूंगी। ये चला गया तंदूरी मसाला, ये चला गया चिकन टिक्का मसाला, और ये गई कुटी हुई मिर्ची। अच्छा, इसमें नमक वगैरह आपको कुछ भी नहीं डालना है, इसलिए थोड़ा सा पानी, इसलिए कि इसमें क्योंकि नमक होगा दोनों मसाले में ना, जो मैंने पैकेट वाला इस्तेमाल किया है, इसमें दोनों में मसाले नमक होगा। आप इसको थोड़ा सा पकने दें, जब पकने लगेगा तो आप चेक कर देख सकते हैं, इसमें नमक अगर कम हो तो आप हफ्ते में ज़्यादा नमक डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें ये सारा दही डाल दूँगी, सारा दही चला गया इसमें, ये देखिए वैसे आपको कितनी बेहतरीन शक्ल लग रही होगी, जब ये पूरा बन जाएगा फिर इसमें सारी चीज़ें डलेंगी, फिर आपको देखिएगा इतना अच्छा खाना बनता है, बेहतरीन आप दावत वगैरह में बना सकते हैं। बस ये दही के पानी में, और ये देखिए 1/2 गिलास डालूंगी सिर्फ गलाने के लिए थोड़ा सा, बस ये देखिए 1/2 गिलास पानी डाला है। अब इसको मैं ढककर पकने के लिए छोड़ दूंगी 15-20 मिनट के लिए, फिर मैं आपको बताऊंगी बाद में क्या करना है। ये देखिए, ये इसमें एक दफा ये देखें पानी उबल रहे शुरू हो गया इसमें से ना, ये भाप निकलना शुरू हो गई, उबलना शुरू हो गया। तो इस उसके ऊपर मैंने अभी फुल आंच की हुई थी, अब मैं इसको मीडियम आंच पे करूंगी ताकि चिकन गल जाए, और मैं खूब भुनाई करूंगी इसकी, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि क्या करना है, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। ये हमने रख दिया, कवर कर दिया इसको, और ये हमने आंच कर दी अपनी, ये देखिए मीडियम, और ये देखिए ये पक रहा है, बस थोड़ी देर में हम दोबारा आते हैं आपके पास, ये बाकी चीज़ें बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए मैं आ गई बता रहे आपको दोबारा से, इस कंडीशन में ये देखिए ये हो गया है, खूब इसकी भुनाई हो चुकी है, और ये इस तरह का हो गया है। अब इसको हम रख देंगे दम पर, और ये दम पे रखूंगी मैं स्लो, बिल्कुल आज कर दूंगी इसकी, दम पे रखिए देखिए बिल्कुल स्लो कर दिया है मैंने। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं अभी डालूंगी ये चीज़ें, थोड़ी सी बाद में जब डिश में निकालूंगी तब डालूंगी, आधा आधा जो अपने मसाला बनाया हुआ था, थोड़ी सी ये हरी मिर्चें हैं और ये अदरक है। अच्छा,
एक हरी मिर्च लंबी है खुशबू के लिए, इस तरह करके डाल दूंगी मैं बस, एक से ये दो बस। ठीक है, आप ये डिश बनाइएगा, बेहतरीन डिश। थोड़ा सा मैं इसको दम पे रखूंगी, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि आपको कैसा लगता है। अच्छा, मैंने इसको जब दम पे रखा था, पहले फुल आंच किया था, फुल आंच करने के बाद फिर मैंने इसको दम पे रखा था मीडियम आंच के ऊपर ना, जब ये चिकन गल गई है बिल्कुल, बहुत अच्छी चिकन गल गई है। ये देखें, इसको ऐसे जब गल जाएगी, ये देखिए जब ये चिकन गल जाएगी, अब इसको मैंने ये सब चीज़ें डाल दी थी और अभी मैंने इसको बिल्कुल स्लो आंच पर रख दिया 5 मिनट के लिए। पहले मैंने 20 मिनट रखा था चिकन को गलाने के लिए, ठीक है, और अब मैं बस 2-3 मिनट रखूँगी इसको दम पे और फिर डिश में निकाल के आपको दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी रेसिपी बनकर तैयार हो गई है, बेहतरीन, बहुत आसान, बिल्कुल ईजी आपको लगेगी। आप ये बना के देखिएगा, आपके लिए एक नई डिश हो गई है, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई हम क्या पकाएं क्या पकाएं, रोज़ाना ये सोचना पड़ता है, खाने के लिए बड़ी परेशानी होती है। तो आपके लिए मैंने ये नई डिश बनाई है और बहुत जल्दी बनने वाली, कोई मसाले नहीं, कोई प्याज नहीं, कुछ नहीं, आप फटाफट बस चढ़ा के फटाफट ये डिश बनने वाली और बेहतरीन। आप इसको तंदूरी रोटी से खाएँ, नींबू डाल के खाएँ, सारी चीज़ें बेहतरीन, मज़ेदार। वाह भाई वाह, क्या मज़ेदार डिश बनी है। चलिए आज डिश के साथ साथ आपको एक शेर भी सुनाती हूँ, आप लोगों को पसंद आएगा। अच्छा, मेरी रेसिपी को लाइक करें, कमेंट्स करें और बताइएगा, आप बना के खा के बताइएगा कि कैसी बनी है, और आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर कमेंट्स करें। नहीं डरता मैं कांटों से मगर फूलों से डरता हूँ, चुभन दे जाए जो दिल को मैं उन बातों से डरता हूँ। वाह 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 खुदी वाह वाह भाई, शुक्रिया बहुत बहुत रेसिपी देखने का। रिजवाना चैनल से अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।